नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। धर्मांतरण से एक खबर जुड़ी हुई है। धर्मांतरण को लेकर दमोह की राजनीति गरमाई हुई है। दमोह से लेकर दिल्ली तक लगातार धर्मांतरण को लेकर एक के बाद एक कार्रवाइयां चल रही हैं, तो वहीं कुछ लोगों की जमानत भी हो चुकी है। आज धर्मांतरण को लेकर बड़ी घटना सामने आई, जहाँ पर धर्मांतरण करने वाले लोगों के द्वारा पुनः घर वापसी की गई, हिंदू धर्म को अपनाया गया। श्री बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समक्ष इनके द्वारा घर वापसी की गई। ईसाई से पुनः ये हिंदू हो गए हैं। इनके द्वारा भगवान के जयकारे लगाए गए और कहा गया कि वह पूरी आस्था और विश्वास के साथ अब हिंदू धर्म में रहेंगे। श्री बागेश्वर सरकार के द्वारा प्रतिज्ञा दिलवाई गई। किस तरह से लोभ लालचवश इनके द्वारा धर्मांतरण किया गया, यह भी मीडिया के समक्ष उनके द्वारा बयान किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लोगों के द्वारा धर्मांतरण करके पहले ईसाई धर्म अपनाया गया और आज पुनः किस तरह से घर वापसी की गई। ये है अपने धर्म में, आप उस सनातन धर्म से हैं जहां आपके पूर्वजों ने भगवान राम की सेवा के लिए रैदास जी ने, रविदास जी ने जिंदगी भर जब तक वह जीवंत रहे नहीं आई। यज्ञोपवीत के लिए पूछा गया क्या तुम्हारे जनेऊ है, उन्होंने तन काट कर अपने शरीर के अंदर जनेऊ दिखा दिया। आप लोग उस समाज से हो और फिर भी आप छोटी मोटी बातों में आ गए, इसमें उनसे ज्यादा आप लोगों की गलती है। लेकिन अब जो बीत गया सो बीत गया। हम आपको निवेदन करेंगे, स्वधर्मे निधर्म श्रेया, अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म में विचार करने से। और चिंता मत करो, हम तो ना कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है। हम इतना जानते हैं संतों की कृपा से, रैदास, रविदास, कबीर, मीरा, नाना, महात्मा बुद्ध, इन महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास जी। वाह प्यारे, अच्छा दर्शन करवे आए। अच्छा तुम्हारा नाम क्या, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में? नहीं अपनाया तुमने, बाकी जिनने अपनाया उनको क्या कहोगे तुम? माइक ले लो, तुम भी कुछ बोलो, समझदार हो। आज सबकी आरती कैंसल, आप भी नीचे आरती करेंगे, आज ये लोग आरती करेंगे, आप साथ में आओ। ये चौबे जी की ड्यूटी लगाते हैं, सुन लो सर, ये चौबे जी की ड्यूटी लगाते हैं। हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है आपका, हमें आपको बल देना है ताकि आपकी कोई हंसी ना उड़ाए, कोई खिल्ली ना उड़ाए, क्योंकि आपके अंदर डर भी अभी लगा है कि अब लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो चमत्कार वाली बात उन्होंने कही हम उन पर कुछ नहीं कहेंगे, उन लोगों को भी ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन अभी तुम्हारे और साथी रह गए, उनको ले आना ताकि सनातन संस्कृति, और हमारे पूर्वजों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने सनातन के लिए अपने प्राण दे दिए, कम से कम अपने पूर्वजों को तो न लजाए। पैसा ले लो सुबह खा जाओ, कौन दिक्कत है, ये तो ऑल नौ देवे सुन ले लेंगे। लेकिन अब धर्म, अच्छा वो 30 लोग जो जो है उनके डुबकी लगाया है, वे कौन कौन है? हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। रविवार कौन कौन जा, माताओं में से भी है, माताओं में जोड़ के माता, अच्छा तो आपको उन्होंने बुलाया था? काम के सिलसिले में वहाँ गई थी हमारी पति, हाँ। तो उसके बाद में आना जाना शुरू कर दिया, जो बताया मेरे पति ने कि प्रलोभन दिया था, तो दवाई के लिए भी देते थे पैसा, ले जाते थे या छोड़ देते थे घर में, हम लोग ने रुकी भी लगाई। अब आप सनातन में आना चाहते, अपना सनातन को स्वीकार पूर्णतया करना चाहिए, अब तो नहीं बहकेंगी बहन, आशीर्वाद, खुश रही, काउ की नजर ना लगे बहन। और भी निवेदन है आप सबसे, और आज आरती करो, सनातन धर्म की जय बोलो, अपने घर के बाहर सब जने झंडा लगाओ, जो बीत गओ सो बीत गओ, मन में कोनो मलाल नहीं रखने हैं, हो जान दो, समय चक्कर हुई है, बालाजी को नाम लो अब। लेकिन अब होम ना दइयो, हमारी हाथ जोड़ के निवेदन,
अब ऐसा मत होना जाए, समाज की नाक ना कटवाइए। तो आप लोग उस समाज के हो जहां पर बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी आप लोगों ने, उस समाज के हो। बात बहुत अच्छा। संतूलाल का है वाह, जय हो, जय हो, बोलो बागेश्वर धाम की। अब दोनों हाथ उठाओ, सब लोग मुट्ठी बांधो, कहो हम आज लेते हैं आज से हमेशा जीवन पर्यंत अपने संतों की सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे, परंतु भूल कर भी अन्य धर्म में नहीं जाएंगे। हम शपथ खाते हैं, हम शपथ खाते हैं श्री हनुमान जी महाराज, रविदास महाराज, मीराबाई, तुलसीदास, जागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी, इनके चरणों की सौगंध खाते हैं। हम भूलकर कभी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब आप लोग जो गए थे वो कहो हमसे जो भूल हुई है दूसरे धर्म में जाने की, प्रभु हमें क्षमा करो, हनुमान जी हमें क्षमा करो, हे रविदास महाराज जी हमें क्षमा करो, रविदास जी महाराज हमें क्षमा करो, हे महर्षि वाल्मीकि जी हमें क्षमा करो, हे महर्षि वाल्मीकि जी हमें, गोस्वामी तुलसीदास जी हमें क्षमा करो। सब संतन की जय हो, सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। अब दोनों हाथ मलो, बढ़िया फटकार लगा दो, सो जो नलाय बलाय है बा उनकी उतई ही पहुंच जाए, पैसा भटाए रही उनके सुधार। अब आदमी कह रहा है महाराज जी हमने कुछ भी नहीं किया है, करने वाले बालाजी हैं। और आप उधर गए थे, का नाम तुम्हारा? दुर्गा है। अच्छा, सो का काम थी तुम पे बताइए? नहीं, हमारे पास बच्चे नहीं है ना। अच्छा, अच्छा। इसलिए वो बोल रहे थे कि इधर आना तो बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे पास। दो चार बार गए हैं, फिर नहीं गए हम नहीं जाने। चिंता ना करो, हम बब्बा जी से प्रार्थना कर भी और मेडिसिन दवाई से भी अगर हुई है तो आपको समाज आपके साथ है और आप बालाजी के चरणन में, अपने संतन के चरणन में ध्यान करो। काऊ के काय नहीं होता, हम भी कह दें तब संतति नहीं होता, भगवान की कृपा से मानो कृपा कर है। अब जो भूल हो गई सो गई, अब ना जाइयो मत विराज। आओ जो भी पटकी तुम्हें करो। गुरुजी, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, इसको 7 साल से फिट आते हैं, बहुत परेशान है हम लोग। मिर्गी के दौड़ा? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है हम लोग। ना सही से रह तो मर्जी लगा दे भी और झाड़ा लगा दे। जी जी, पहले हमें इन्होंने हमें ले आ जाओगे। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है, हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार महाराज श्री के नेतृत्व में भाई संतूलाल रोहित और आलोक खेरवाल जी के सहयोग से आज बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जो ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र, उनके लोभ लालच में फंसकर ईसाई बन गए थे, आज उन्होंने पुनः सनातन धर्म में वापसी की है। मैं इस कार्यक्रम, इस विषय जिन लोगों का भी सहयोग है उनको हृदय से नमन करता हूं और पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और भगवान बालाजी सरकार उनको आशीष प्रदान करें, इस तरह वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में विस्तार में लगे रहें, ऐसी साजिशों को नाकाम करते रहें। गाँव में जिस तरह से मिशनरी काम कर रहे हैं उसको लेके आपका क्या कह रहे हैं? पिछली सरकारों ने धर्मांतरण के खिलाफ किसी प्रकार के कोई एक्शन नहीं लिए, यह धर्मांतरण बड़ी तेजी से चलता रहा और
सरकारें इस पर उदासीन रही, सरकार को भी इस पर सख्त कदम, प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए और एक कड़ा कानून बनना चाहिए जिससे ये चीज़ें बंद हो पाए। हृदय परिवर्तन हुआ कि अचपुना ये हिंदू बने क्या? अब भाई साहब निरंतर संपर्क में रहने के कारण, सबसे मिलने से और उन्हें समझाने से उनके मन में ये भावना जागृत हुई कि जो कुछ भी हमसे हो गया वो कुछ कमियां रह गई, कुछ गलतियां हो गई, उसके कारण से हुआ। ऐसे ही उनसे निरंतर संपर्क किया तो उनके मन के भाव जब दिखे तो धीरे धीरे हम लोगों ने फिर संख्या बनाई कि संख्या एक बने, तो फिर धीरे धीरे दमो के आसपास के क्षेत्र के लोग भी सभी लोग प्रभावित होकर के, और फिर महाराज जी का आश्वासन मिल गया कि महाराज जी स्वयं आशीर्वाद देंगे, तो इस कारण से और बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार की कृपा सुन के और ज्यादा संख्या में लोगों ने प्रभावित होकर के वापसी। कितने लोग आज इसमें? करीब 150 लोगों की संख्या रही है। लालच देकर ईसाई बनाया गया था? अब ये तो उनका काफी लंबे समय से प्रोग्राम चलता रहा है, अभी सभी लोगों की जानकारी में है कि किस प्रकार से धीरे धीरे ये कार्यक्रम किए जाते हैं। पहले बुलाते हैं, फिर प्रलोभन देते हैं, कुछ रोग दूर करने के लिए, कुछ नौकरी के लिए, कुछ शादी के लिए, ऐसे प्रलोभन अलग अलग प्रकार के दे करके। और ये वंचित समुदाय भी था जिसको समाज ने कुछ तरीके से अपेक्षाकृत भी रख रखा था, तो उस अपेक्षा के कारण भी लोगों के मन में ये भावना आती थी कि जब हमारे लोग ही हमें नहीं स्वीकार कर रहे तो फिर हम क्रिश्चियन बनते हैं, कोई और धर्म अपनाते हैं। परंतु अब जब हम सभी लोगों ने, समाज के लोगों ने भी मिलकर उनसे निवेदन किया कि नहीं, आप जिस समाज से गए थे उसी समाज में हम लोग आपको पूरा प्रेम आदर से स्वीकार करेंगे, आपके साथ पूरे संबंध जो भी होते हैं वैसे पुनः स्थापित करेंगे, इस भावना से आप सभी लोग वापस आएँ, और फिर सबका सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद मिला। और समाज के भी काफ़ी अपने सभी अन्य घटक जो अन्य समाज के सभी लोग हैं, सभी संत महात्मा लोग हैं, उन सबका भी सहयोग मिला, पूरा दमो इसके साथ रहा। महाराज श्री के द्वारा किस तरह से अपनी बात रखी गई, आइए हम आपको सुनाते हैं। यही सनातन धर्म बागेश्वर बालाजी की बागेश्वर बालाजी के, इसीलिए तो धर्म विरोधी लोग पीछे लगे हुए हैं लगातार, और इन लोगों को बेचारे भोले भाले लोग इनको लालच दे करके इस प्रकार से कृत किया नहीं है। और हमने किसी प्रकार से घोर नहीं किया, न हमने कोई पूर्व में बात की, स्वयं बागेश्वर बालाजी की कृपा के प्रभाव से वो चल करके आए हैं, और उसमें हमारे संतुलाल अहरवार, संतुलाल अहरवार और दो तीन बच्चों ने बड़ी अखत मेहनत की, उसके प्रभाव के कारण ही आज 100-150-200 लोग, 200-300 लोग यहाँ पर सनातन धर्म में पुनः वापस हुए। यही सत्य की जीत और बागेश्वर बालाजी की कृपा का चमत्कार है। अब हमें और बलपूर्वक कार्य करना चाहिए ताकि जिस प्रकार इन लोगों के साथ भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा, ये भारत में बंद। गुरु जी आपने इसके पहले भी एक बयान दिया चादर और फादर को लेकर। सीताराम चल चलो बाकी सभी लोग पीछे हो जाएं, कृपया कर पीछे हो जाएं सभी लोग पीछे हो जाएं। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।